हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल ग्रह पे पानी पानी पानी, आज दिन है सानी सानी, मतलब सॉरी मजाक कर रहा था दोस्तों। वैज्ञानिकों ने क्या किया है, मंगल ग्रह पे एक बहुत ही महाकाय समुद्र खोजा है। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्या था कि पानी के सबूत मिले थे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इसरो और स्पेस एक्स, नासा, ये सब मतलब मानते हैं कि हाँ वहाँ पर पानी था, बट उनको अब महाकाय मतलब मैं आपको ये बता दूं कि हजारों किलोमीटर के आसपास क्या हुआ है, उनको समुद्र मिले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट दोस्तों इसलिए है, देखिए जब किसी भी ग्रह पे हम कॉलोनाइज होंगे, मतलब दूसरे ग्रह पे जब हम रहने जाएंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे जीवन पहले था। अगर पहले जीवन था तो संभावनाएँ बढ़ जाती हैं कि जब हम वहाँ पे जाके रहेंगे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज क्या होता है कि हमको नहीं पता है कि वहाँ की घटनाएं कैसी होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल ग्रह है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि ऑर्बिट में एक टाइम पे कुछ मोमेंट हो और दूसरे टाइम पे कुछ मोमेंट हो, जैसे यहाँ पे होता है गर्मी ठंडी पड़ती है, तो लेकिन जब पानी होता है तो इसे ये संभावना रहती है कि हाँ वहाँ पे जीवन संभव है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी वहाँ पे रहने पे। इस वजह से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको खोजा गया है दोस्तों। वैज्ञानिक इसमें बता रहे हैं कि लगभग 350 करोड़ साल पहले क्या था कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पे क्या था, एक समुद्र है, मतलब हुआ करता था जो हजारों किलोमीटर में फैला हुआ था। ये कैसे पता चला, देखिए आपको तो पता ही है कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पे ऑर्बिटर उतारे गए हैं नासा के द्वारा, बहुत सारे सैटेलाइट हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, धरती से दूरबीन भी काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये मैपिंग की गई है, तो उसी के तहत क्या हुआ था कि वहाँ पे जो चट्टान होते हैं, बेल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो रिजेस होते हैं, उनका निरीक्षण किया गया। उनका निरीक्षण क्यों किया गया, एक बात समझिए आप कि कोई नदी है या कोई खाड़ी है, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं खासकर नदियों के आसपास, ठीक है, अब पानी तो है नहीं वहाँ पे, तो सैटेलाइट के द्वारा क्या किया गया कि वहाँ के जो चट्टान थे, जो घने चट्टान थे, जो बेल्ट थे, ठीक है, उनके बारे में प्रॉपर मैपिंग की गई। क्या किया गया, मैपिंग किया गया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया सेरोलिन टोपोग्राफी, ठीक है। इसके द्वारा वहाँ पे मैपिंग की गई, अलग अलग एंगल से क्या हुआ कि उन चट्टानों का पूरा निकाला गया और पाया गया कि इतने घने चट्टान, इतने घने बेल्ट जो पानी के लिए होते हैं, जो नदियों के लिए होते हैं, जो उभर ऊपर आ जाते हैं, वो अभी तक कभी कहीं नहीं पाए गए थे। उसके द्वारा जैसा आप देखेंगे इमेजेस है, तो मंगल के ग्रह पे पानी तो है नहीं, बट इसको बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत बड़ा एक समुद्र हुआ करता था, ठीक है। वो कितना बड़ा था, जो रिजेस के बारे में जो निरीक्षण किया गया है, अच्छा मैं आपको बता दूं, जर्नल ऑफ जियो फिजिकल रिसर्च, ठीक है, एक जर्नल है जहां पे ये रिसर्च पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया कि जो रिजेस है लगभग 6500 किलोमीटर लंबा है, मतलब जो चट्टान था, जो बेल्ट था, उन पर जो निरीक्षण किया गया, तो उसके बाद ये लगभग 6500 किलोमीटर लंबा मतलब पहाड़ों का एक बेल्ट है वहां पर ये पाया गया है, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, फ्लूवेलर रिजेस करके, क्या नाम इसका, फ्लूवियल रिजेस करके इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आपने एक चीज़ सुना होगा, जैसे कि जो हमारे जैसे हिमालय है, ठीक है, जो हमारा हिमालय है, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा वो क्या हो रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता है, 1 इंच ऐसे कुछ बढ़ता है, तो वैसे इनमें भी बहुत सारे मोमेंट होते हैं, तो इस मोमेंट में क्या रहा था, काफ़ी टाइम से इनके बारे में लगातार अध्ययन किया जा रहा था, तो उस मोमेंट के हिसाब से भी ये पता लगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं बेंजामिन कार्डनेस, उन्होंने क्या बताया कि वाटर वेव, ठीक है, जैसे उसके द्वारा, ठीक है, वाटर वेव जैसे हम पहचानते हैं, जैसे कि पानी अगर कहीं बह रही है, मान लीजिए कि बारिश होती है, तो जब घर के सामने, मान लीजिए अगर आपके घर के सामने मिट्टी है, वहां से जब पानी बहती है तो क्या होती है, एक धारा बन जाती है, एक ऐसे पाथ बन जाता है, तो वो देख के आप कह सकते हैं अच्छा यहाँ तो पानी था। जैसे सांप जाता है ना, जो अगर मिट्टी पर कभी आपने देखा हो, सांप जब जाता है तो जमीन पर एक निशान बना देता है ऐसे कर वगैरह के, उसको हम देख के बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे साफ कहते हैं, पानी का भी होता है वाटर वेव, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या दिया है, स्ट्रेटिग्राफी करके इन्होंने नाम दिया है, और उन्होंने बताया इसके तहत क्या हुआ था कि इसके बारे में पता लगाया था। मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक बात आपने सुना होगा कि सरस्वती जो नदी थी, तो लोग बताते हैं विलुप्त हो गया था, फिर इसको जमीन के नीचे खोजा गया था, तो ये कैसे खोजा गया था, इन्हीं से मेथड के द्वारा खोजा गया था कि हाँ मतलब नदी तो नहीं है, बट पानी अगर यहाँ पे बहा होगा तो रास्ता जो बना था जमीन के अंदर, ठीक है, उसके द्वारा उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो ये उन्हीं मेथड के द्वारा पता लगाया जाता है, उनके पाथ को देख के, उनके सेडिमेंट्स को देख के इसके बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है।
अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चलो ये था ये ऐसे था, लेकिन वैज्ञानिक यहीं तक नहीं रुके हैं, वैज्ञानिक इससे आगे भी बढ़ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो ठीक है समुद्र तो था, ठीक है समुद्र तो था, लेकिन समुद्र गया कहां, वो पानी गया कहां, ठीक है। इसके लिए क्या था दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, मैक्सिको की एक खाड़ी है, ठीक है मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां पे क्या था कि एक बहुत बड़ा एक मतलब नदी हुआ करता था जो विलुप्त हो चुका है, तो उसी को चेक करने के लिए, ठीक है उसी को चेक करने के लिए यहां पर एक तकनीक अपनाई गई थी, अकूस्टिक मतलब इमेजिंग करके, ठीक है इमेजिंग करके एक तकनीक अपनाई गई थी, जैसे कि पता लगाया जा सके कि वहां पे जो खाड़ी में जो पानी विलुप्त हुआ तो कहां गया विलुप्त होकर और क्यों खत्म हुआ, उसका रीजन पता लगाने के लिए। और इसी तकनीक का यूज करेंगे कहां पे, मंगल ग्रह पे, उन समुद्र के बारे में पता लगाएंगे कि वो जो पानी वहां पे था कहां गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में हुआ था, नेचर का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में, अगर नेचर ना होता तो शायद जो जर्नल ना होता तो बहुत सारे रिसर्च सामने, अच्छे रिसर्च सामने नहीं आ पाते, तो जो नेचर जर्नल है वो अपने उसने ब्रांडिंग को बहुत ही कायम रखा है, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च दुनिया के सामने लाता है पब्लिश करता है, तो उसमें ये पब्लिश होता है, इसी का यूज करके वो पता लगा रहे हैं। पता क्यों लगा रहे हैं, एक बात समझिए कि देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो पानी हो सकता है कि जो समुद्र में ख़त्म हो गया, हो सकता है वो जमीन के अंदर हो, अगर ऐसा हो सके तो हम लोगों के लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पर जाके पानी बना सके, बट पानी अगर वहाँ पहले से अवेलेबल होगा तो हमारे लिए ज़्यादा वहाँ पर रहना आसान होगा। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है एक टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉयड गिरा हो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब हीट आई हो जिसकी वजह से भाप में पानी बन के निकल गया हो, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी भी हो सकता है, पूरा इन्वायरमेंट ही ख़त्म हो गया हो। अब ये क्या हो सकता है देखिए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी तो एज ए मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ नहीं, मतलब साइंटिस्ट भी नहीं हूँ मैं, तो ये क्या होगा आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि वैज्ञानिकों ने ये मतलब क्या होगा ये वैज्ञानिक ही बता पाएंगे, और इस पर लगातार वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ये जो वहाँ पे जाके खोज कर रहे हैं क्या इसका कोई मतलब है, अभी के लिए हमको लगेगा कि ये बहुत सही नहीं है, अभी के लिए हमको लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं, पैसा बर्बाद हो रहा है, बट फ्यूचर में इसका हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि कभी धरती पर अगर कुछ प्रॉब्लम आई, अगर हमने वहाँ पर हम कॉलोनाइज हो गए हैं तो हम बच सकते हैं, तो ये है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।